हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कैसे आप अपना पीएफ में अपना केवाईसी यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। कैसे आपको अपना जो पीएफ है, पीएफ में आपके यूएन नंबर पे या तो आपके ईपीओ पे सब सेम ही होता है, तो आप अपना पीएफ में कैसे आपको केवाईसी करना है, अपना पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे केवाईसी करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को कैसे केवाईसी करना है, आपकी आधार कार्ड को कैसे केवाईसी करना है, पूरे डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल पेज पे आना है, देख सकते हो आपकी जो पीएफ है, पीएफ के ऑफिशियल पेज पे आपको आना है। इसके लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यूएन होम, देन आपकी सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हो मेंबर होम के, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर को टाइप करना है, यहाँ पे आपके पासवर्ड टाइप करना है, यहाँ पे कैप्चर को टाइप करना है, यहाँ पे आपको सिंपली साइनिंग बटन पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ओटीपी से वेरीफाई करके इसे लॉग इन करना होता है। तो आप अपना पासवर्ड को अगर भूल चुके हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अपना यूएन नंबर को टाइप करना है, यहाँ पे अपना कैप्चर को टाइप करना है। सबमिट करोगे तो आपके यहाँ पे जो आधार कार्ड की कुछ डिटेल्स को आपको फिल करना है, देन अपना अपना जो बेसिक डिटेल्स को फिल करने के बाद अपना पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना यूएन टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे अपना जो कैप्चर है कैप्चर को भी टाइप करके यहाँ पे एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना यूएन नंबर को यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड को टाइप कर दिया, यहाँ पे कैप्चर भी टाइप कर दिया। सिंपली मैं यहाँ पे साइनिंग बटन पर यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो अपना आधार कार्ड से लिंकेड जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को हमें वेरीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे सिंपली अपना कैप्चर जो आ रहा है हमें कैप्चर को यहाँ पे टाइप कर देना है। देन आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पर हमें क्लिक करना है। अपना जो होम पेज है, अपना जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। हमें सिंपली क्या करना है, हमें सबसे पहले तो आपकी फ्रंट पे आपके यहाँ पे पूरा डिटेल्स शो हो जाता है। तो अपने यहाँ पे केवाईसी के लिए हमें क्या करना है, केवाईसी के लिए हमें मैनेज पे आना है। मैनेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो केवाईसी, तो आपको केवाईसी पे यहाँ पे क्लिक करना है। केवाईसी पे क्लिक करने के बाद आपकी जितने भी केवाईसी ऑप्शन है आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। आपके बैंक, आपके जो बैंक अकाउंट, आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड, पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूव्ड हो रखा है, यहाँ पे अपना पैन कार्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो हमें अपना पैन कार्ड को यहाँ पे अपडेट करना है। तो पैन कार्ड अपडेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो अपने पैन वाले ऑप्शन आ रहे हैं आपके ऊपर, और बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए अगर ऑलरेडी आपकी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड है, आप इसे अगर चेंज करना चाहते हो तो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे बैंक पे आप क्लिक करोगे आपके नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके बैंक यहाँ पे अकाउंट नंबर को आपको टाइप कर देना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर को कंफर्म यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आईएफएससी कोड को यहाँ पे टाइप करना है। करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, देन आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से लिंकेड मोबाइल नंबर पे, ओटीपी को वेरीफाई करके आपकी यहाँ पे जो अपना केवाईसी है केवाईसी पेंडिंग में चला जाएगा। जो आपकी एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय अप्रूव करने के बाद आपकी जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे न्यू बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पैन कार्ड को यहाँ पे अपडेट करना है। पैन कार्ड अपडेट के लिए हमें देखते तो पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें पैन ऑप्शन पे हमें क्लिक करेंगे। देन अपना जो नाम है अब यहाँ पे नेम देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे फिल होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, अपना जो पैन कार्ड नंबर है हमें पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे टाइप करना है, देन अपना टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सेव करना है, देन अपना ओटीपी आएगा, ओटीपी को हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन डिटेल्स भर दिया, यहाँ पे सिंपली अपना टर्म एंड कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे सिंपली सेव बटन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपना नाम शो हो जाएगा, अपना जो पैन कार्ड नंबर है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। पैन कार्ड नंबर को मिलाने के बाद आपको जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी को यहाँ पे टाइप करके वेरीफाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी टाइप कर दिया, यहाँ पे सिंपली मैं सबमिट बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, देन अपना जो पैन कार्ड यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना जो पैन कार्ड यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग, यहाँ पे देख सकते हो केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, तो यहाँ पे पेंडिंग में जा चुका है। यहाँ पे यूएन नंबर आपके शो हो जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंट टाइप पे यहाँ पे पैन कार्ड, आपकी आपके नाम, यहाँ पे पैन कार्ड, आपकी डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी लिखा हुआ है पेंडिंग विथ आपकी एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन, तो आपकी आपकी जो एम्प्लॉयर होगा, जो आपकी कंपनी होगा, कंपनी से यहाँ पे अप्रूव्ड होने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपकी जो केवाईसी डिटेल्स पे आपको जैसे यहाँ पे देख सकते हो अप्रूव शो हो रहा है, यहाँ पे आपके अप्रूव शो हो जाएगा ग्रीन कलर की टिक के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।